हेलो फ्रेंड्स, गौरव हियर। और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जितने पैसे इंडिया ने बहाए उतना आज तक के कॉमनवेल्थ गेम्स की ओवरऑल हिस्ट्री में किसी ने नहीं बहाया। इनफैक्ट यूके ने खुद ने भी नहीं, उल्टा यूके ने तो सीडब्ल्यूजी के बिडिंग से बैकआउट किया हुआ है। जिसकी वजह जानते हो? क्योंकि सीडब्ल्यूजी को होस्ट करने के लिए ऑन एन एवरेज मिनिमम से मिनिमम 4,794 करोड़ रुपीस लगते हैं। ऊपर से कॉमनवेल्थ गेम्स ने तो ऐसे नॉर्म्स भी रखे हुए हैं कि होस्टिंग कंट्री को $1 बिलियन अपने खुद के जेब से भरना पड़ेगा, और जिसमें माइंड यू कोई भी स्पॉन्सर या एडवर्टाइजर इंक्लूड नहीं होंगे। मतलब अगर कल की तारीख में ये इवेंट फेलियर साबित होता है तो पूरा का पूरा लॉस उस होस्टिंग कंट्री को अकेले ही फेस करना पड़ेगा। बट इसके बावजूद अगर हम ओवरऑल लिस्ट में देखें तो यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ही वो तीन कॉमनवेल्थ कंट्रीज है जो हर 4 से 5 सालों में सीडब्ल्यूजी को उनके वहां पर होल्ड करती है। अब जो कि इतना भारी रिस्क इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली ये कंट्रीज अपना घाटा कराने के लिए तो होल्ड नहीं करेगी, राइट? तो यहां पर सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये कंट्रीज कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए इतने उत्सुक रहती है? इनका इसमें क्या फायदा है? क्या वो इस गेम से कमा रहे हैं? So, सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट अनकॉमन फैक्ट कि कॉमनवेल्थ गेम्स को ओलंपिक से पहले ही सोचा गया था, लेकिन आज की तारीख में ओलंपिक्स ऑब्वियसली कॉमनवेल्थ गेम्स से एक बड़ा नाम है, और इसके पीछे का जो कारण है वो कॉमनवेल्थ गेम्स के ही इतिहास में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। दरअसल 1896 के पहले ही ब्रिटिश एम्पायर की एकता को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जॉन एस्ली कूपर, जो उस वक्त के चर्च के सबसे बड़े प्रीस्ट थे, उन्होंने सीडब्ल्यूजी को अंग्रेजी सरकार के सामने प्रपोज किया था। अब ब्रिटिश एम्पायर को यह आइडिया काफी पसंद भी आया। इनफैक्ट उन्होंने इस गेम के एग्जीक्यूशन की प्लानिंग करनी भी शुरू कर दी, लेकिन फॉर सम रीजन ये प्लानिंग काफी डीले पर चलने लग गई। और इस सबके बीच दूसरे तरफ दुनिया के सामने ओलंपिक्स गेम्स प्लान होके लॉन्च भी हो गया। ओलंपिक गेम्स के लॉन्च होते ही सीडब्ल्यूजी मानो होल्ड पर चला गया, और उसके बाद मानो लोग इस गेम को कहीं ना कहीं भूलने लग गए और सालों तक उसका जिक्र कभी नहीं हुआ। Until 15 years later, साल 1911 में फिर एक बार उस गेम का जिक्र हुआ जब किंग जॉर्ज V के राजगद्दी के जश्न में सीडब्ल्यूजी को इंटर एम्पायर चैंपियनशिप्स के नाम से फेस्टिवल ऑफ एम्पायर का पार्ट बनाया गया और उसको दोबारा दुनिया के सामने लाया गया। लेकिन अभी तक सीडब्ल्यूजी कोई ऑफिशियल गेम नहीं था। इनफैक्ट इस गेम के तो काफी सारे नाम भी बदले थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश एम्पायर गेम्स 1930 से 1950, ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स 1954 से 1966, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम 1970 से 1974। लेकिन फाइनली एट द एंड 1978 में एडमिंटन गेम इवेंट में इसका नाम चेंज करके कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया, और तब जाके इस गेम को अपना ऑफिशियल नाम मिला। अब गेम तो ऑफिशियल हो गया था, लेकिन अगर हम ये जानने जाए कि इस गेम के साथ कौन कौन जुड़े हुए थे तो सिंपल है, सीडब्ल्यूजी गेम्स में सिर्फ पास्ट ब्रिटिश कॉलोनीज ही इंक्लूडेड है। यस, वही कंट्रीज जिसमें पास्ट में ब्रिटिश एम्पायर ने रूल किया था, एंड एज वी ऑल नो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ब्रिटिश एम्पायर रूल कर चुकी है। और आज की अगर हम बात करें तो उन सभी कंट्रीज में से 54 सॉवरेन कंट्रीज और 18 यूके टेरिटरीज ही पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन अब यहां पर सवाल यह आता है कि अगर सब कुछ ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में है या ब्रिटिशर्स के हाथ में, तो ये डिसाइड कौन करता है कि गेम कहां पर होस्ट होगा? So, well, इसके पीछे एक प्रोसीजर होता है। एक कमिटी बनाई गई है जो 8 साल पहले ही ये डिसाइड कर लेगी कि कौन कौन सी कंट्रीज एक्चुअली में होस्ट बनने के लायक है। उसके बाद वो सभी कंट्रीज जो भी इंटरेस्टेड है होस्ट करने के लिए, वो सभी कंट्रीज अपने एप्लीकेशन उस कमिटी को सबमिट करेंगे। सेकंड प्रोसीजर आता है बिडिंग का, यानी सारे कैंडिडेट कंट्रीज होस्ट बनने के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को करीबन 57 लाख रुपए तक की नॉन रिफंडेबल कैंडिडेचर फी पे करते हैं, और इसके बाद बिड किए हुए सारे देश इवेंट के अरेंजमेंट्स में लग जाते हैं, जिसपे कॉमनवेल्थ गेम्स अपनी कड़ी निगरानी डाले बैठती है। जो कंट्रीज CGF के अरेंजमेंट्स में वीक लगेंगे उन्हें वो निकाल देते हैं, और कई बार तो कंट्रीज खुद ही अपना नाम विड्रॉ कर लेती है। और फिर उसके बाद फाइनल स्टेप आता है इलेक्शन डे का, जब सारे एलिजिबल कंट्रीज कमिटीज के आगे अपने अपने प्रेजेंटेशंस देंगे, सीक्रेट बैलेट में वोट्स करेंगे, और फाइनली एट लास्ट जिसके सबसे ज्यादा वोट्स होंगे और जिसने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया होगा वही कंट्री होस्ट बनेगी। अब बात करते हैं पिछले सीडब्ल्यूजी की, यानी कि 2018 के, जिसका रेवेन्यू $1,885 मिलियन आया था। अब ये आंकड़ा तो न्यूज में था ही, लेकिन एक और चर्चा न्यूज में थी न्यूजीलैंड के बॉक्सिंग कोच जेकब रपीरा के बारे में। इन्होंने अपनी टीम के साथ बेट किया था कि अगर वो 5 मेडल्स जीतते हैं तो जेकब अपनी बियर्ड को कलर करवा देंगे, एंड गेस व्हाट, हिज टीम वन 5 मेडल्स, और जेकब ने अपनी बियर्ड ऐसे से ऐसे बना दी।
अब मानना पड़ेगा बियर्ड है तो बहुत ही घनी और इसे देख के मैं भी आपको लगता होगा कि ये जीन्स का कमाल है। जैसे CWG की पार्टिसिपेंट्स अपने सेहत का ख्याल थ्रू प्रॉपर डाइट और न्यूट्रिशन रखते हैं, वैसे ही आप भी अपने बालों का ख्याल थ्रू न्यूट्रिशन रख सकते हो बाय यूजिंग मैन मैटर्स हेयर गमीज। मैन मैटर्स हेयर गमीज के एक गमी में 20 एग्स जितना बायोटिन, 20 कैश्यूज जितना जिंक, हाफ कप कैरेट जितना विटामिन ए और हाफ ऑरेंज जितना विटामिन सी होता है। इसके साथ ही आपको 20 ऑलमंड्स जितना विटामिन ई भी मिलता है जो आपके स्किन और हेयर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैन मैटर्स हेयर गमीज खाना शुरू करने के बस 2 से 3 मंथ में ही आपके बाल लंबे, काले और घने हो जाएंगे और इसके साथ आपकी हेयर फॉल और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम भी प्रिवेंट हो जाएगी। और अगर आप मार्केट में मिलने वाले दूसरे प्रोडक्ट से इसको कंपेयर कर रहे हो तो करने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि 100% वीगन है, इसके 0 साइड इफेक्ट्स है और इसके साथ ये शुगर फ्री और जेलेटिन फ्री भी है। सो ये प्रोडक्ट बेसिकली आपकी बालों की समस्या का रामबाण इलाज है विद 0 साइड इफेक्ट। अब मैन मैटर्स कंपनी सिर्फ हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाती है बल्कि मर्दों को होने वाले सभी कॉमन प्रॉब्लम्स के इनके पास इफेक्टिव सॉल्यूशंस हैं। और सबसे मजे की बात, ये आपको फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं अपने प्रॉब्लम्स के रूट तक जाने के लिए। फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन का फायदा उठाने के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो और अभी बुक कर सकते हो। और साथ ही में अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स ट्राई करने हैं तो उसका लिंक भी नीचे है। And now let's jump back to our topic. But, here's the twist. अगर आप 1930 से लेके अब तक के Commonwealth Game के bid winners को देखोगे, तो पूरी list में आपको सिर्फ 3 common नाम नजर आएंगे: UK, Australia और Canada. और ऐसे बहुत ही कम बार हुआ है कि CWG को उन 3 countries के अलावा कहीं hold किया गया हो। For example, साल 1998 में Malaysia ने bid जीता था और उसके बाद साल 2010 में India ने। But you know what? आपको ये जान के गर्व होगा कि इंडिया ने वो बिड 4.1 बिलियन $ में लॉक किया था, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में अब तक की सबसे कॉस्टलीएस्ट बिड है। लेकिन अगर हम इन दोनों देशों को साइड में रखें तो ये सवाल उठता है कि क्यों बाकी के कंट्रीज क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं अपने आप को होस्ट बनाने के लिए। वेल, जवाब साफ है। अगर आप पास्ट 3 से 4 कॉमनवेल्थ गेम्स को देखोगे तो सिर्फ 10 से 12 दिन के इवेंट को कंडक्ट करने के लिए होस्टिंग कंट्रीज को मिनिमम से मिनिमम 4,790 करोड़ खर्च करने पड़े थे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम ईयर, यानी इसका एवरेज ही कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा। और CWG के नॉर्म्स भी कुछ ऐसे हैं, होस्टिंग कंट्री को कंपल्सरीली अपने पब्लिक फंड से $1 बिलियन जमा करने ही पड़ेंगे। सो जाहिर सी बात है, ऐसे डिमांड्स और ये खर्चे सभी कंट्रीज नहीं फुलफिल कर पाते और बस इसीलिए वो बिड से बैकआउट कर लेते हैं। लाइक हाल ही की अगर बात करें तो ऑनगोइंग 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम को सबसे पहले डर्बन साउथ अफ्रीका होल्ड करने वाला था, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से डर्बन ने बैकआउट कर लिया और बर्मिंघम बिड जीत गया। सिमिलरली कनाडा और इंग्लैंड ने भी बैकआउट किया है अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से। और बैकआउट करने का एक रीजन ये भी होता है कि इतिहास में कुछ कंट्रीज ने इतना मैसिव खर्चा उठा लिया, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेनिश गवर्नमेंट ने ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज करने के लिए कि उन्हें मैसिव अमाउंट लाइक $6.1 बिलियन इन दिस केस का डेट फेस करना पड़ा। एंड सेम मॉन्ट्रियल के साथ भी हुआ था। सो यस, खुद के कंट्री को फाइनेंशियली डेट में नहीं डालने के लिए भी बहुत सारी कंट्रीज बैकआउट कर लेती है डिपेंडिंग अपॉन देयर दैट ईयर्स फाइनेंशियल टर्न। Well, ये सब तो हुई गेम्स की बातें। Now let's have a look कि इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स को किस क्वालिफिकेशन के बेसिस पर CWG के लिए चूज किया जाता है। Well, अगर एक लाइन में बताऊं तो एथलीट्स के क्वालिफिकेशंस का और गेम में उनके पार्टिसिपेशन का कोई कनेक्शन नहीं होता। एथलीट्स का सिलेक्शन उनके नेशनल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड के बेसिस पर होता है। एग्जाम्पल के लिए हिमा दास, इंडिया की वो यंग एथलीट जिसने 2018 IAAF वर्ल्ड U20 में इंडिया के लिए गोल्ड जीता था, वो अभी BA परस्यू कर रही है। एंड इंडिया के वेटलिफ्टर जेरेमी लाल रिनुंगा और शूटिंग एथलीट मनु भाकर ने हाल फिलहाल में ही अपने 10th के बोर्ड एग्जाम्स दिए। सो ऑब्वियसली एकेडमिक क्वालिफिकेशन डजंट मैटर एट ऑल ओवर हियर, पर देश के लिए गोल्ड लाने वाले एथलीट्स को एजुकेशन फैकल्टीज 100% सपोर्ट देती है। और ये सपोर्ट तो कभी कभार इस हद तक चला जाता है कि जेरेमी के बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में सो जाने के बावजूद उन्हें उनका पेपर कंप्लीट करने दिया गया। So, अब अगर हम अभी तक के हुए सारे स्टेप्स को देखें तो होस्ट डिसाइड हो गया, गेम की प्रेपरेशन भी हो गई, एथलीट्स भी रेडी है, मतलब गेम इज ऑन, राइट? लेकिन इन गेम्स के वजह से कंट्रीज आखिर कमाती कैसे हैं? क्योंकि इतना रिस्क वो उठा रहे हैं, इतने पैसे वो लगा रहे हैं, सो देयर हैज टू बी सम रिटर्न, राइट? तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि इसका कोई फाइनेंशियल मॉडल आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। हेंस जो भी सारी चीजें बताई जा रही है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर है। सो CWG से कंट्रीज कैसे कमाती है, जब इस पर एनालिसिस हुआ तब ये
पता चला कि CWG कंडक्ट करने से कंट्रीज का शॉर्ट टर्म फायदा नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म फायदा होता है। मतलब गेम कंडक्ट करने से टिकट्स बेचकर थोड़े बहुत पैसे जो रिकवर होते हैं वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेजरली ये कैलकुलेट किया जाता है कि गेम ऑर्गेनाइज करने की वजह से इंटरनेशनल टूरिस्ट उस कंट्री में कितने आएंगे, उस कंट्री का नाम और प्रचार कितना होगा और उस कंट्री का स्टैंडर्ड कितना बढ़ेगा। जब चार अलग अलग कंट्रीज में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के एनालिसिस को देखा गया तो पता चला कि उन कंट्रीज का टूरिज्म सेक्टर गेम ऑर्गेनाइज करने के सिर्फ 3 साल में ही 25% से बढ़ गया। अब ऑब्वियस है, टूरिज्म बढ़ेगा तो उस कंट्री के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की सेल्स बढ़ेंगी और सेल्स का बढ़ना इज इक्वल टू फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली उस कंट्री का तरक्की करना। फॉर एग्जाम्पल, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद 2018 गोल्ड कोस्ट की GDP में 1.2 बिलियन पाउंड्स का इंक्रीज दिखाई दिया, 2006 मेलबर्न में 1 बिलियन पाउंड्स का और लास्टली 2002 मैनचेस्टर में 1.1 बिलियन पाउंड्स का इंक्रीज आया। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस ब्रांड वैल्यू, सोचो इवेंट के वक्त और इवेंट के बाद कितनी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग उस कंट्री की हो जाती है जो उसके GDP में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे करके कंट्रीब्यूट जरूर करती है। उस कंट्री के कंपनीज को कितना फायदा होता है, उनकी कितनी ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। एंड ऑब्वियसली वो कंट्रीज अब दूसरे देशों के कंट्रीज के साथ एफिशिएंटली बिजनेस कर सकती है बिकॉज दैट ट्रस्ट फैक्टर इज रीइंफोर्स्ड ओवर हियर। सो या इन इनडायरेक्ट फैक्टर्स को भी अगर कंसिडर करने लग गए तो लॉन्ग रन में उन कंट्रीज का पोटेंशियली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हो सकता है। बट कॉमनवेल्थ गेम्स सिर्फ कंट्रीज को ही कमाने का मौका नहीं देती, एथलीट्स भी इन गेम्स से काफी अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। हालांकि एक कंट्री और एक एथलीट दोनों के अर्निंग में बहुत बड़ा फर्क होता है, जैसे कंट्री इंस्टेंट और लॉन्ग टर्म अर्निंग्स करती है तो दूसरे तरफ एथलीट्स को गवर्नमेंट कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म अर्निंग्स प्रोवाइड करती है। इंडिया में एलीट एथलीट्स को हर महीने 50,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। गेम में पार्टिसिपेट करके गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले एथलीट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट से ये और स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट की कैपेसिटी के हिसाब से प्राइजेस मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूपी गवर्नमेंट 2022 CWG में गोल्ड मेडल लाने वाले एथलीट को 1.5 करोड़ तक देने की अनाउंसमेंट कर रही है। एंड इसके साथ फ्यूचर में इन एथलीट्स के पास गवर्नमेंट जॉब ऑफर्स होते हैं जो आर्मी से लेकर रेलवे जॉब्स तक वेरी करते हैं। इसके अलावा विनिंग मेडल्स फॉर इंडिया ब्रिंग्स देम ट्रिमेंडस पॉपुलैरिटी and obviously इस पॉपुलैरिटी को भी monetize किया जा सकता है थ्रू ब्रांड डील्स एंड endorsements। एंड एथलीट्स को ये सारे benefits जीतने के बाद ही नहीं बल्कि पहले भी मिलते हैं। अगर बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु का एग्जांपल ले लो तो 69 कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली इस प्लेयर के ट्रेनिंग, कंपटीशंस, पर्सनल कोच, सपोर्ट स्टाफ एटसेट्रा पर हमारी गवर्नमेंट 3.82 करोड़ खर्च कर चुकी है। और ये तो सिर्फ एक एथलीट की बात की जा रही है, सोचो पूरे इंडियन टीम का कितना खर्च होता होगा। और यही वजह है कि हमारे देश के सारे एथलीट्स उन पैसों की पाई पाई चुकाने के लिए हर दिन मिनिमम 6 से 7 घंटों की ट्रेनिंग करते हैं और साथ ही 1 महीने पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स होस्टिंग कंट्री में पहुंच जाते हैं टू प्रिपेयर बेटर। अब फ्रेंड्स, ये सब देख के तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जो भी कंट्री लॉन्ग टर्म में कॉमनवेल्थ गेम्स को परस्यू करना चाहती है, इसे एज एन इन्वेस्टमेंट देखती है, उनके पास एक बहुत ही तगड़ा मॉडल रेडी होना चाहिए कि कैसे उस मिलते पब्लिसिटी, मिलते पॉपुलैरिटी को वो लॉन्ग टर्म में मोनेटाइज कर सकते हैं। एंड इट कैन एक्चुअली बी एन एडवांटेज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। बहुत सारे फाइनेंशियली सक्सेसफुल कंट्रीज लाइक दुबई फॉर एग्जाम्पल इसी टूरिज्म के मॉडल पर काफी ग्रो हो चुके हैं। और अगर इसे थोड़ा और डीप नजरिए से देखा जाए तो बहुत से कंट्रीज जो कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं वो कहीं ना कहीं दुनिया को अपनी जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस दिखाने के लिए भी करते हैं, अपनी सिटीज और कंट्री पर बेस्ट होने का थप्पा लगाने के लिए। और कॉमनवेल्थ गेम्स में तो ये बात बिल्कुल सामने आ जाती है कि हमें जज कौन करने वाला है, हम पर ही राज और हम पर ही जुल्म करने वाले पावर्स। जापानीज फिलोसोफर ताकेयुची योशिमा ने एक बार ये कहा था कि कॉलोनियल मास्टर के साथ गेम्स में कम्पीट करने के जगह पर हमें शायद डेवलपमेंटल एरियाज पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सो या इट टोटली डिपेंड्स ऑन कंट्री टू कंट्री कि वो कंट्री कितना स्ट्रॉन्ग मॉडल बनाती है उस मिलते पॉपुलैरिटी को अच्छे से चैनलाइज करके अपने कंट्री के ग्रोथ में डालने के लिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना, गेट सेट माय फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।